नाज़रीन, जिला बांडीपुरा कुदरती हुसन से मालामाल है। यहाँ हर साल सैकड़ों की तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सैयाह सैर तफरी के लिए आते हैं, मगर सरकार की अदम तवज्जो के सबब जिला बांडीपुरा के कई हसीन मकामात सैयाहों की नजरों से ओझल हैं, जिसके सबब सैयाह यहाँ का रुख नहीं कर पाते हैं। अगर सरकार इन मकामात की जानिब तवज्जो देते और ऐसे मकामात को सैयाती नक्शे पर लाकर उजागर करते तो सैयाहों की काफी सारी तादाद यहाँ का रुख करती, जिससे यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए वसाइल भी पैदा होते। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, कश्मीर है, ये कश्मीर है। साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा बशारत अहमद ने ऐसे कई सारे मकामात का दौरा करके सरकार को इस जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। नागमर्ग कस्बे बांडीपुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर वाका एक हसीन और दिल फरेब वादी है, जिसे कुदरत ने अपने हाथों से सवारा है। दूर दूर तक फैली सरसब्ज घास की मखमली चादर ऐसा नजारा पेश करती है जैसे किसी ने यहाँ सब्ज कालीन बिछा रखी हो। नाज़रीन, इस खूबसूरत और दिल फरेब वादी में रात को ठहरने का कोई भी इंतजाम मौजूद नहीं है, फिर भी बशारत अहमद यहाँ रात को खैमजन हुए ताकि कुदरती हुसन से भरपूर लुत्फ हासिल करने के साथ साथ लोगों को भी इस खूबसूरती के बारे में जानकारी दे सकें। उनका कहना है कि जिला बांडीपुरा कुदरती हुसन से मालामाल है, मगर बदकिस्मती से सरकार की जानिब इस जानिब किसी भी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके सबब यह हसीन खूबसूरत और दिल फरेब वादी लोगों की नजरों से ओझल है। बशारत अहमद ने नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि सरकार की तवज्जो जानिब दिलवा सकें ताकि बाकी दुनिया भी इस खूबसूरत और दिल को सुकून बख्शने वाली वादी में कुछ लम्हे गुजार सकें। हम कल आए हैं, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ सैर सपाटा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि रब्बुल जलील ने जिस अंदाज से इस बांडीपोरा को खूबसूरती से सजाया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और ख़ासकर जो नागमर्ग है, जिसकी ब्यूटी देखकर इंसान गुलमर्ग भूल जाता है, मगर अलमिया तो यह है कि जो भी सरकारें आई है, इसने इस नागमर्ग को सरफ नज़र कर दिया है। और यह नागमर्ग ऐसा टूरिज्म स्पॉट है, अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, इससे न सिर्फ सरकार को फ़ायदा होगा, बल्कि यहाँ जो बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके लिए रोज़गार के वसाइल पैदा हो जाएंगे। और हमारी ये गुजारिश रहेगी आज की सरकार से, ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि इसकी जानिब जो शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में आलूसा के तहसील में एक अहम जगह है जो नागमर के नाम से जाना जाता है, इसकी ब्यूटी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ब्यूटी कितनी है, कि अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो न सिर्फ वादी बल्कि बिरूनी रियासत से भी यहाँ टूरिज्म आएंगे, यहाँ लोग आएंगे और अल्लाह की दी हुई इस खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। और मेरी गुजारिश रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि आप अवलीन तरजीह देकर इस जगह को, इस टूरिज्म को अपनी नक्शे में लाएँ, इसको अपनी डेवलप करें और इसको टूरिज्म के मैप में शामिल किया जाए। और इसके साथ ही यहाँ एक अहम जियारत भी है जो नचनी के नाम से जानी जाती है, जो इंतहाई अहम है। और मेरी गुजारिश रहेगी, आज हम जो जवान हमारे साथ आए हैं, हमने देखा है, कल भी हम गए दो तीन जगहों पर, और जितना मज़ा यहाँ आया है, जितनी खूबसूरती हम देख रहे हैं, और इससे अल्लाह ताला की आयत फिट हो जाती है कि रबी को मां तो कज़िबान। और मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ की इंतज़ामिया से, यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया से, कि इस अहम जगह को टूरिज्म के तौर पर मुतारिफ किया जाए। पर्वतों के दरमियाँ हैं, जन्नतों के दरमियाँ हैं, आज के दिन
हम यहाँ।